बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज आनंद नगर क्षेत्र में कुछ वाहनों को रोका। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस वाहन में छात्रों को धर्मांतरण कराने के लिए ले जाया जा रहा है। सेंट पॉल्स स्कूल में ईसाई मिशनरीज द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हिंदू संगठनों के मुताबिक छात्रों को ले जाकर उन्हें धर्म संबंधित जानकारी दी जा रही थी और उन्हें बरगलाया जा रहा था। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा जो वाहन रोके गए थे उनमें सभी छात्र थे और वे ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों से आए हुए थे। मौके पर सूचना के बाद पुलिस पहुंची और काफी देर तक हंगामा होता रहा। मौके पर कार्यक्रम के आयोजक भी पहुंचे और उन्होंने कहा, धर्मांतरण जैसी कोई बात नहीं है, ये कार्यक्रम पहले भी होते रहा है। धार्मिक वो भी शर्मा नहीं जी तुम लोगों को? अरे गरीब बच्चों को लेके जा रहे हो वहाँ पर, तुमने जूते खाने चाहिए चौराहे पर, मारने चाहिए, गरीब बच्चों का धर्मांतरण कर रहे हो आज, उनके डिविस्टिंग कराते ना, अभी देखना समझो, डिविस्टिंग कराते अभी क्या बताते होंगे बच्चों का कार्यक्रम है, सबके चलो वो एक भी नहीं जाएगी और कितने बच्चे वहां पर होता कार्यक्रम हमारा, अभी हम बहुत सारे अभी दो चार गाड़ियां और आ गई, बहुत आगे कार्यक्रम नहीं होगा, सबको भी लेके आ रही है, सबको लेके आना है आपको, है ना, अब कोई कार्यक्रम नहीं होगा इस प्रकार का, चलो जा रहा है ना, हमें इसलिए रोका, सेवा भाव एक अलग होता है, सेवा के आर में धर्मांतरण आदिवासी समाज का जो कि हमारा हिंदू समाज के है, ठीक है, यही स्कूल बढ़ेंगे इसलिए जो कर रहे हो वो मीडिया में बोलने की ताकत रखो, जी जी झूठ मत फैलाओ, झूठ हम सेवा कर रहे हैं, युवाओं के लिए आ रहे हैं, क्या कर रहे हो ना, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है और वो बच्चों ने बताया मीडिया के सामने भी, ठाकुर ने इन्हें उन्हें आपने बोला कि हम युवा नेतृत्व के लिए आ रहे हैं, ठाकुर समाज कब से सब मालूम है, बोलने के लिए भी कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, कितने लोगों को तुमने धर्म परिवर्तन क्या बोलने वाली क्या बात है, इसमें क्या बोलने वाली, ब्रदर और ब्रदर फादर है, व्हाट इज योर नेम, फादर जोस, फादर जोस कैथोलिक, हां या कैथोलिक, यस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनसाइड, exactly, I don't know, around the 150 members be there. And they came from which place? They are from four districts, Burhanpur, Khandwa, Badwani and Kharkhon. कितने जिले के अंदर आ गए अभी, मतलब चार जिले के हैं, बाकी को रोक दिया क्या, बाकी का अलग 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 आ रहे नहीं है। यह आयोजन सेंट पॉल्स स्कूल में रखा गया था। जानकारी मिलने पर खंडवा एसडीएम अरविंद चौहान, सीएसपी पूनम चंद यादव और मोगट थाना टीआई ईश्वर सिंह चौहान भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि अभी मामले की जांच की जा रही है, इसी के बाद कुछ कहा जा सकेगा। शिक्षा विभाग की अनुमति नहीं है आपके पास में कोई, और ऊपर से धर्मांतरण कर रहे हो, गैर कानूनी काम, कार्यक्रम नहीं होगा, हमारा अंदर दिया हुआ है, ये सब शासन आया हुआ है, साथ में प्रशासन पूछताछ करेगा, जांच। बताइए आज क्या विषय हो गया, आप लोगों ने किस तरह के वाहन रोके और क्या मामला था पूरा? आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि खरगोन से कुछ आदिवासी बच्चों को बरगला करके सेंट पॉल्स स्कूल लाया जा रहा है, और यहाँ पे जब हमने आकर के जांच करी तो पाया गया कि लगभग 150 युवा जो है आदिवासी वो यहाँ पर थे और बाकी गाड़ियों से लगातार यहाँ पे आ रहे थे। जब उन बच्चों से हम लोगों ने जानकारी ली तो उन लोगों ने स्टेटमेंट में कहा है कि हमको जो है वो धार्मिक शिक्षा देने के लिए जो है यहाँ पर बुलाया गया है, हमने शासन प्रशासन को शिकायत करी है, बगैर अनुमति के इस स्कूल के अंदर ये आयोजन चल रहा था, अब प्रशासन जो है इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे और शिक्षा विभाग भी इनके ऊपर कार्रवाई करे, इस सेंट पॉल्स स्कूल की अनुमति जो है वो रद्द की जाए, और नहीं तो फिर बजरंग दल जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है उग्र आंदोलन करेगा।
कहाँ कहाँ से बच्चे आए थे यहाँ पर? ये सेंधवा के बच्चे हैं और कुल मिलाकर के जानकारी ऐसी मिली है कि 4 जिलों से ये विद्यार्थी जो है ये बच्चे यहाँ पे आने वाले थे। ये कब तक कार्यक्रम चलने वाला ये था? 3-4 दिवसीय 5 दिवसीय कार्यक्रम ऐसा सुनने में आया है कि जो चलने वाला था, बाकी जो है वो प्रशासन इसमें जांच कर रहा है। परिचय बताइए। अनिमेश जोशी, विश्व हिंदू परिषद, जिला मंत्री।